मतलब ये बेचारा मुझे कह रहा था कि मुझे शादी करनी है, मतलब हर हर किसी को करनी होती है, मुझे एक अच्छी बांदी मिलनी चाहिए। अभी देख लो, अभी मतलब सुबह अंधेरा ही है अभी, और आप खुद समझ सकते हो कि अभी की ठंड, और हमें निकलना है काम पे। कमाल है कसम से। कुछ दिख भी नहीं रहा। ओ भाई, तो ठंडा भी नहीं, नेक्स्ट लेवल है। मतलब बोलने की जरूरत नहीं है अभी, समझ सकते हो। जो जो कश्मीर से है वो समझ सकता है, जो जो बाहर से भी है उसको भी पता होगा कि अभी कश्मीर में कितनी ठंड। यार स्टार्टिंग में अब रास्ते में ही करूँगा क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है। ठीक है, बाल्टी अंदर रखता हूँ और निकालता है। ठीक है, और अब स्टार्टिंग से थोड़ा सा, थोड़ी सी लाइटिंग आ जाएगी तो फिर स्टार्टिंग उसी टाइम करूँगा। आ रहा हूँ। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे और सभी अच्छे से होंगे और हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमें भी दुआ में याद किया करो। तो हाँ जी गाइस, अगर आप पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो बाद में आप वीडियो देखते देखते भूल जाते हो सब्सक्राइब करना। 2 सेकंड लगेंगे पहले, तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दो और लाइक कमेंट भी जरूर से कर देना। सुबह आपने देखा ही कि हम लोग जल्दी में निकले काम पे, तो और अंधेरा भी था, तो मैंने सोचा कि मैं रास्ते में वीडियो की स्टार्टिंग करता हूँ। और वैसे ही जैसे कि पिछले 2 वीडियोस में हुआ, हमें जाना है भट्टे पे, लेकिन आज उस वाले भट्टे पे नहीं जाना है, हमें जाना है दूसरे वाले भट्टे पे। वो आप देखोगे, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा कि जब भी भट्टे पे जाते हैं तो बहुत सारा काम होता है, तो फ़ोन बंद ही रखना पड़ता है, लेकिन मैं उसमें भी 2-3 शॉट्स दिखाता हूँ। ठीक है, और मैं अब वापस आते टाइम एक ज़रूरी बात करूँगा साहिल से, और वो आप लोग की सुनोगे। ठीक है, फिलहाल इन्जॉय कीजिए थोड़ा थोड़ा सा, और उसके बाद में वो ज़रूरी बात बताता हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। हाँ जी, इस भट्टे पे तो हम लोग पहुंचे, लेकिन मसला ये हुआ कि साहिल मुझे सुबह सुबह कह रहा है कि मुझे शादी करनी है। मजाक के बगैर सीरियसली साहिल कह रहा है कि मुझे शादी करनी है, तो चलो अच्छी बात, शादी करनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसको शादी करनी है, बोल रहा है कि कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए, वो डिस्कशन मैं इसके साथ बाद में करता हूँ ब्रेक के बाद, क्योंकि हम भट्टे पे पहुंचे, यहाँ पे बहुत सारा काम होता है। काम के बाद मैं इसे पकड़ता हूँ और बोलता हूँ कि इसे कैसी लड़की चाहिए। ठीक है, मिट्टी तो यहाँ पे हर जगह ही होती है। ए चो चो आराम संतरी इच्छा विनती हम क्यों अच्छा अत क्यों बना दिया साहिला अत क्या बना अत क्या बना अथा 12 भट्टे पे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मिट्टी तो बेहिसाब मिल जाती है। इस वाले ने तो बूट आज बढ़िया लाया है। हो ये थी रोजन لگ بھگ دہ گھنٹہ رب کم یا گو مصیبت والا مطلب کتنا ٹف ہوتا ہے यहाँ का ब्लॉग करना, वहां से तो सीधे रोड पे ब्लॉग नहीं कर पाते हैं। मतलब खुद ही देखो कितना मुश्किल है, कितना ज्यादा मुश्किल है यहाँ से चलना और फिर काम भी करना है, ब्लॉग भी करना। मतलब मैं यहाँ पे पूरा इंसान बिजी होता है काम से, टेंशन होती है, लेकिन फिर भी मैं 10-15 मिनट निकालता हूँ अच्छे अच्छे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखो देखो अमा सोच खुदा गैस पिछे सा ओत्र से न होती सर रब ओइसा इसी को बोलते हैं भैया भट्टा। लगता है सबसे ज्यादा मुश्किल काम
ये है। और अभी सर्दी में मिट्टी है ऊपर से, बहुत ज्यादा मुश्किल है, स्ट्रगल भैया स्ट्रगल। देखो मेरे को इतनी ज्यादा प्यास लगी ना, इतनी ज्यादा प्यास, और यहाँ पर पानी भी नहीं है। पानी देखो कहाँ पे, वहाँ नीचे नदी जा रही है छोटी सी, तो वहीं पे हम पानी पियेंगे। कसम से साहिल ने अच्छा किया, साहिल ने वहीं पे पानी पिया, मैं फिर से उसका नाम भूल गया। ओह भाई क्या, हाँ नदी बह रही है, पापा ने बोला वहीं से पानी पी के आओ, खाना तो दूर की बात है। ओके खाना तो दूर की बात है, यहाँ पे पानी भी नसीब नहीं है। ओ ईशा साहब अमां, मैंने बोसना वाला खुला है, तो ये पानी पी रही है इसलिए। हाँ है मौसम, देखो यहाँ ऊपर कहाँ से आए हम, ऊपर से पानी पीने के लिए। तो चलिए अभी वापस जाते हैं, फिर से इतना ऊपर चढ़ना है वापस। अभी जाएंगे ऊपर और फिर से काम पे लग जाएंगे, ठीक है। और मुझे लगता है फोन बंद ही रखूंगा वरना नुकसान हो सकता है। ओ भैया वाला आपको निकी ना खासो, ओह मैंने बीच में कट कर था, खुदाया मैं फोन बंद ही रखता हूँ, पहले पहले ऊपर चढ़ते हैं। देखो अभी किस मोशन में हूँ मैं। अभी देखो हालात क्या हो गया लोगों के, देखा ना ये बेचारा खत्म हालात खत्म हो गए। पिछले मतलब हफ्ते से मैं पापा के साथ निकल रहा हूँ, लेकिन आज भी हालात खराब हुए ना, कसम से कितना थके ना हम लोग आज, पूछो ही मत, हाथों को देख क्या हुआ। देखो कब देख या पाक 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 ओह ओह अच्छा बच्चा था फोन यार, बस फोन रखा मैं, आई मी अच्छे से यार, चंद मुझ बैठा है मैं चंद थे यार, हालत होने वाली। ओह ओह या बोता तो हम लोग वापस ही आ रहे थे लोड करके, तो रास्ते में ही पंचर हो गया टायर का, जो अंदर वाले साइड से होता है स्टेपनी का, उसका पंचर हो गया। और हम लोग की हालात देखो, और हालात को थोड़ा बैकग्राउंड देखो, और इस बंदे को देखो जहाँ भी जाता है ना आग जला लग जाता है, मतलब जहाँ भी जाता है आग जला देता है, मतलब हालात खराब होगी कसम से, इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना अभी इन वीडियोज में बनाने में, अभी हालात पूरी खराब है लेकिन फिर भी मुझे वीडियो उठाना है। अभी है हम लोग कंगन के मतलब टॉप साइड से, ऊपर वाले साइड से जहाँ से बस्ती है, और यहाँ से देखो बर्फ कितनी ज्यादा है, देख लो भाई बर्फ बहुत ही ज्यादा है यहाँ से, बहुत ज्यादा। मतलब जितना जितना ऊपर जाते हैं उतनी उतनी ज्यादा बर्फ है, देखो बस थोड़ा सा बीच में रोड साफ किया है, बाकी साइड से तो बर्फ है पूरी। ओ भाई साहब देखो मतलब नजारा क्या है यहाँ से, व्यू क्या है जबरदस्त वाला, मुझे लगता है कि अगर मैं मतलब मैं दिखाऊंगा ना सारा तो व्लॉग बोरिंग हो सकता है, लेकिन अब मुझसे जितना जितना हो पाता है ना, यहाँ जहाँ भी जाओ हर जगह ही जबरदस्त है। हाँ ऐसे
हाय गाइस, पहचानते हो? जरा दिखा तो मुझे। फिलहाल मुझे छोड़ो, पीछे व्यू को देखो, हालात देखो क्या हो गए। आयंसन खत्म हो गया, पूरी हालात देखो, इस बेचारे को देखो, इसको क्या हो गया। ये मैं जब भी इसका वीडियो लेता हूँ ये भाग जाता है। देखो हालात क्या हो गए। लेकिन मस्त व्यू देखो यहाँ पे क्या है, कसम से जबरदस्त वाली। तो भागता मैं जब भी वीडियो लेता हूँ ना ऐसे इन कपड़ों में, मैं तो लेता हूँ, मैं तो कहता हूँ ये काम है, इसमें क्या करता है, ये भाग जाता है ये बंदा। कहाँ जी गई, मतलब मेरा फोन तो स्विच ऑफ हो गया। अब ये साहिल का फोन है, मतलब ये तो वैसी क्वालिटी वालिटी नहीं आएगी। लेकिन ये मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ कि अभी बज के 6 और इतनी ठंड है ना चारों तरफ, मतलब वो दिखेगा भी नहीं। आईफोन तो है नहीं कि पूरा साफ दिखेगा क्वालिटी में, इतनी ठंड है यहाँ पे, चारों तरफ है बर्फ और बीच में फंसे हम लोग। क्योंकि हमें जो यहाँ पे ईंटें डाली कि हमें गिन के फिर मतलब गिननी पड़ी, इसलिए इतना लेट हुआ। इतनी ठंड है ना यहाँ पर, पूछो ही मैं। मैंने इसलिए शूट किया इसके फ़ोन से कि पिछली बार मुझे एक बंदे ने बोला था कि मेहनत करो वीडियोज़ में। भाई मेहनत हर किसी चीज़ में लगती है, और कोई भी चीज़ हो मेहनत तो लगती है। अब मैं दिखाता कि कितनी ठंड है यहाँ पर, बर्फ कितनी है, पानी बह रहा है, नदी है छोटी सी यहाँ पर, उसमें इतनी ज़्यादा ठंड निकल रही ना अभी कि हालात ख़राब होगी कसम से। यहाँ पे कुछ दिखेगा ही नहीं इस फ़ोन से, कुछ नहीं दिखेगा इस फ़ोन से, मतलब पूरा मैं क्या बोलूँगा, फॉग है चारों तरफ से, यहाँ से फॉग ही फॉग है, क्या कर सकते हैं। तो हाँ जी गाइस, कल हम लोग फंस गए थे यहीं पे कंगन बैंक में ही फिर से यार, बर्फ़ की वजह से। और अभी देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ हो रही है चारों तरफ से, देखो इतनी बर्फ जमा हो गई यहाँ पे, तो लगता है कसम से यार हालात खराब हो गए। और देखो मेरे हाथ को भी क्या हो गया, देखो कल हाथ भी टूट गया कसम से। अम्मा बोलता कितना मौसम बर्फ में होता है, चूसो और दुआई कराती है चाकर नौक में यूट्यूब पे ठीक। ओ वही देख लो ये गाड़ी का हाल, ओ ओ ओ इसको पूरा स्नोमैन बन गया है। यहाँ पर फंसे थे हम लोग कल, ओ भाई देखो पूरी बर्फ है हर साइड से यार। देखो मैं कहाँ चढ़ा गया, यहाँ पापा देखेगा ना गुस्सा करेगा। हम यहाँ पे कसम से मरते मरते हम लोग बच गए, देखो कहाँ पे फंस गए हम लोग। अभी यहाँ से रास्ता है लोग साफ कर रहे हैं, अभी उस गाड़ी का मसला है क्योंकि इसके टायर तो बिल्कुल नए थे फिर भी नहीं चढ़ पाई इस पे। देखो कहाँ गाड़ी पहुँची, यहाँ से टायर जा रहे थे यहाँ पहुँची। इतना ज़्यादा मुश्किल है ना यहाँ, इतना ज़्यादा रिस्की है, पूछो मत। यहाँ हम हैं और ऊपर वाला है बस, और कोई भी नहीं है यहाँ पर। ये सारी गलती पापा की है कसम से, हमने पापा को बोला था कल कि छोड़ो हमें ये चाहिए ही नहीं, इनके पैसे हम घर चले जाएंगे। लेकिन देखो ये इतना टफ जॉब है ना, ये कसम से सबसे मुश्किल है ये काम, सबसे ज़्यादा मुश्किल है ये काम गाड़ी का। बोल रहा था मैं, इस गाड़ी का मसला है क्योंकि इस वाले गाड़ी की जो टायर है, मैं बोल भी नहीं पा रहा, उसमें तो ग्रिप है बड़े मजबूत वाले, लेकिन जो इसके टायर है वो पूरे खत्म हो चुके हैं। ये तो यहीं पर फंस गई, देख लो इसके टायर, यहाँ से मसला होने वाले खतरनाक। क्या बोला मैं वो अथन के लोग मुँह दिखी थे बीएल तुम बना रहा। अब
बोला था मैंने कि इस गाड़ी का मसला हो सकता है। देखो कहाँ पहुंची वो, वहां पे थी, पूरी स्लिप यहाँ पे हो गई। नियर 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 सा कोताल गोता कल बचाता है या سایلا سایلا أمس روز أيتي أمس روز أيتي سایلا قال بچا हाँ जी गाइस, देखा आप लोगों ने मतलब किस मुश्किल हालात में फंस गए थे हम लोग। मतलब दो दो गाड़ी निकालना वो भी बर्फ में से, इतना मुश्किल था, इतना ज़्यादा मुश्किल था, मतलब पूछो मत। अब मैं सारा नहीं दिखा पाया वो किस तरीके से हमने गाड़ी निकाली, क्या किया हम लोगों ने, कितना करना पड़ा, लेकिन जितना भी मुझसे हो सका मैंने कोशिश की। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब वहाँ से काम के लिए भी, यहाँ से वीडियोज़ के लिए भी, समझ सकते हो आप लोग। अगर इतनी मेहनत के बाद भी आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाना और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर से कर देना। मिलते हैं किसी अगले सी वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय एंड अस्सलाम वालेकुम। हाँ, और एक बात, घर हम पहुँचे ये अच्छी बात है, अभी टाइम आ चुका है 4, ठीक है। व्लॉग की एडिटिंग कब ख़त्म होगी वो भी मैं दिखाऊंगा। मिलते हैं किसी अगले सी वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय एंड अस्सलाम वालेकुम।